तो गाइस आपको भी इस सीजन में हीरोइक पहुंचना है तो मैं आपकी मदद करवाऊंगा, आप देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको ऐसी जगह उतरना है, मतलब गाइस ऐसी जगह उतरना है, वो लाइन दिखती है ना आपको, उससे दूर उतर सकते हो, या आप ऐसी जगह उतरो यहाँ पर वो ना पीक पे ना क्लॉक टावर पे, ऐसी कोई सी भी जगह मत उतरो। ऐसी जगह उतरो वहाँ पर सिर्फ घर हो, छोटे मोटे घर हो और उस जगह का कोई नाम ना हो। वहाँ पर थोड़े कम बंदे उतरते हैं तो आप वहाँ पर उतर सकते हो, और आप पहले उतर के लूट कर लेना वहाँ से, और जब दूसरे बंदे आएंगे तो समझ रहे हो ना आप, मतलब वो लूट नहीं कर पाएंगे और आप उनको इजीली मार दोगे। पर इस सिचुएशन में जो होता है कि मैं थोड़ा दूर उतर जाता हूँ और मैं सोलो खेल रहा हूँ अभी, मैं दूर उतर जाता हूँ थोड़ा घर से, तो आप घर के पास ही उतरना, नहीं तो बंदे आपको मार देंगे स्क्वाड में। पर आप सोलो ही खेलना क्योंकि सोलो में अच्छी खासी प्लस हो जाती है। अब उधर भी एक बंदा है और मेरे पीछे भी एक बंदा है, तो मैं भाग ही रहा हूँ, ये बंदा आ गया इसने मेरे को मार दिया, मैं अब रिवाइव होऊंगा। तो मैं वहाँ पर डबल नहीं उतरना है उन बंदों का हाथ पिटने, वहाँ से अलग उतरना है ऐसे घर वाली जगह में, क्योंकि वहाँ पर बंदे नहीं हो सकते बहुत सारी सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ पर बंदे लूट करके भग जाते हैं, थोड़ी बहुत गन बच जाती है गाइस, लॉन्ग वाली गन बची जाती है क्योंकि वो छोड़ देते हैं लॉन्ग वाली गन। आपको नहीं करना है ऐसा, आपको लॉन्ग वाली गन उठा लेनी है गाइस। अब देखो मैं यहाँ पर उतरा हूँ, वहीं पर जोन बनेगा शायद गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा वहाँ पर उतरा हूँ, मेरे को पता है वहीं पर जोन बन सकता है। तो मैं यहाँ पर उतरा बीच में इसलिए उतरा क्योंकि मैं वहाँ पर लूट करने जा रहा पर पहुँच नहीं पाया। अब मैं यहाँ पर पूरी लूट करूँगा पूरी अच्छे से एकदम, तो गाइस मिलते हैं लूट करने के बाद। तो आपको गाइस लूट मैंने पूरी कर ली है, अब हम जाएंगे उस वाले घर में जो आपको सामने दिख रहा है ना, उस वाले घर में जाएंगे पहले, तो चलते हैं। मशरूम मार लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और आपको वुकोंग लेना है बहुत हद तक सिचुएशन में, क्योंकि किसी के पास शॉर्ट रेंज गन होती है और अपने पास मिडिल रेंज गन होती है तो वो अपन को इजीली मार देता है। पर आप पहले वुकोंग बन जाओगे, वो दो गोली मारेगा आपको, दो जितनी भी गोली होगी, फिर रिलोड पे लग जाएगी वो गन रिलोड पे लग जाएगी, तो आप उसको इजीली मार सकते हैं मिडिल रेंज गन से, MP5 UMP से, जब तक वो रिलोड करेगा। हाँ तो गाइस ये तो बात हो गई, अब वुकोंग बन के उस एनिमी को मार सकते हो। पर ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास शॉर्ट गन है और उसके पास लॉन्ग रेंज गन है, मतलब मिडिल रेंज गन है, तो वो वुकोंग बन जाएगा, होगा तो उसके पास वो वुकोंग बनेगा, तो आप एक ग्लू लगा लो और वो वुकोंग से स्लो स्लो चलेगा, तो आप भी चलते चलते उस ग्लू के गोल गोल घूमने लगना, इसलिए वो मार नहीं पाएगा। जैसे ही वो वुकोंग से हटेगा उसको होगी नहीं वो प्रैक्टिस मारने की कि कहाँ पर मारना है, उसके पास कौन सी गन है। अब गोली मत चलाना, अब ग्लू लगा के उसकी गोल गोल घूमने लगना, वो भी आपके पीछे आएगा। तो इस घर के ऊपर बंदा है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, वुकोंग बनता हूँ और जाता हूँ, क्योंकि उसके पास शॉर्ट रेंज गन हो सकती है। तो मैंने देखा वो चुपचाप खड़ा है, तो थोड़ा सा हिला और मैंने उसको मार दिया। तो आप भी ऐसे ही करना, उसके पास M10 थी, मेरे पास भी थी, दोनों के पास सेम गन थी, वो अपन को मार सकता था, पर अपन ने चालाकी करी, वुकोंग बन के गए और हमने उसको मार दिया। आप भी ऐसे ही करना, वुकोंग हमेशा रखना, ठीक है। और HP EP वाला ये वाला कैरेक्टर आपको स्लॉट में हमेशा रखने ढूंढ के, ठीक है गाइस। अब मैं वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा HP और EP वाला सिस्टम, आप कौन सा रखना है BR मोड में। तो मैं गाड़ी से जाता हूँ उस घर में, क्योंकि फिर लेट हो जाता, बंदे मार देते, वो ऊपर एक ग्रीन सर्कल आ चुका है, मतलब वहीं पर सर्कल बनेगा, तो मैं उसी घर में जाकर बैठ जाता हूँ और इधर उधर घूमता रहता हूँ, क्योंकि वो चारों तरफ से खाली है, कोई पीछे से आके मेरे को स्कोप लगा के हेडशॉट मार सकता है, इसलिए मैं इधर से उधर घूमता हूँ, हिलता हूँ, क्योंकि वो एक गेट वाला घर होता है तो मैं चुपचाप बैठ जाता, एक खिड़की एक गेट वाला होता, कैसा भी एल सेफ घर होता तो मैं चुपचाप वहाँ पर बैठ सकता था, पर मैं नहीं बैठा क्योंकि
और मेरे पास ग्लू भी देखो तीन ही है अभी, मैंने खरीद के लाया, नहीं तो ग्लू नहीं थी, मैं फाइट नहीं कर पाता किसी से। अब मैं थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करता हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पर बहुत देर तक ऐसे ही घूमा, ये गाड़ी से घूमता रहता है, मैं वीडियो को कट कर देता हूँ, आप पर टाइम वेस्ट तो नहीं गाइज हो। अब जोन छोटा हो चुका है, बंदे पास है, तो गाइज मारने का टाइम आ चुका है, पर अपने पास गोली 14 ही गोली है, तो ज़्यादा मैं गोली चलाऊंगा नहीं फालतू में, क्योंकि एक ग्लू वाला मिला था, उसने रिवाइव वाली ग्लू लगा ली थी, तो बढ़ती जा रही थी कैरेक्टर की वजह से, इसलिए ग्लू को तोड़ ही नहीं पा रहा था, और उसने मेरी पूरी वेस्ट करवा दी। आप ऐसा मत करना, क्योंकि मैं सोच रहा था तोड़ दूंगा, मैंने एक ग्रेनेड फेंका, एक कुक करने का टाइम नहीं था, वो बंदा निकल के मार सकता था। दो बंदे और अलाइव बचे हैं मेरे अलावा, तो एक बंदा वहाँ पर है, वहाँ पर मैंने स्मोक फेंका, मतलब वो फ्लैश बैंग फेंका, उससे डैमेज पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, पर वो थोड़ा सा उधर चलेगा ग्लू का, पर मैं यहीं पर बैठा रहूँ क्योंकि जोन यहीं पर बन रहा है थोड़ा सा, तो मैं यहीं पर इधर उधर घूमता रहता हूँ, बंदों को मारता रहता हूँ। उसने यहाँ पर फ्लैश बैग फेंका तो मैं उस साइड चले गया, बाहर चलेगा, उसको पता नहीं है मैं बाहर हूँ, पर मेरे को, हमको तो पता है ना अपन बाहर हैं, तो ऐसे ही बैठे रहना है, वो ग्रेनेड फेंकेगा उसका ख़त्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, है ना गाइस। तो पहले तो आपके दूसरे थोड़ा सा बाहर निकलना है, अंदर आना है, बाहर निकलना है, अंदर आना है, पता उसके पास कौन सी गन है, शॉर्ट रेंज गन नहीं है, शॉर्ट रेंज गन है उसके पास, तो मैंने डायरेक्ट उस पर रश कर दिया, क्योंकि अब मैं देखो एक मेडी मारता हूँ, पर वो बंदा इतना चालाक था, वो वहाँ से आके मेरे को मार देता है, तो मैं मर जाता हूँ, क्योंकि उसने खिड़की में से मार दिया, अगर मैं ग्लू लगा लेता तो, पर टाइम नहीं था ग्लू लगाना का, अगर ग्लू मैं लगा भी लेता तो उधर से जोन आ जाता और मैं मर जाता, इसलिए मैंने ग्लू नहीं लगाई थी, और बंदे ने उधर से आकर मार दिया मेरे को। लाइक सब्सक्राइब कर दे।